नमस्कार दोस्तों। कई लोगों को नहाते हुए देखते हो तो यहाँ पे ऐसे टेग से होते हैं, उनके गर्दन में ऐसे चमड़ी है वो इकट्ठी हो जाती है और इस समस्या को स्किन टेग बोलते हैं। जैसे अपन नया कपड़ा खरीदते हैं उस पर टेग लगा हुआ होता है ना, उस पर सब कुछ लिखा हुआ होता है, ऐसे ही इस समस्या को स्किन टेग बोलते हैं। कई लोग इसको मस समझ लेते हैं, तो दोस्तों ये मस नहीं होते, स्किन टेग होते हैं। ये जहाँ पे अपनी बॉडी के फ्रैक्शन होता है, घर्षण होता है, वहाँ पे ज़्यादा बनते हैं, जैसे ज़्यादातर गर्दन में, कांख में और ऐसे बनते हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग मोटे हैं, जिनके परिवार में माताजी पिताजी के बने हुए हैं, या जिनके मोटापा है, डायबिटीज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, उन लोगों में ये स्किन टैग ज़्यादा बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्किन टैग बोलते हैं। इसको मस नहीं समझें, इसकी कोई मतलब इसको दवाई से नहीं ठीक किया जाता है, इसको मतलब सर्जरी से हटाया जा सकता है और इसको स्किन टैग बोलते हैं। ऐसे ही दोस्तों कई लोगों की गर्दन है वो बहुत ही काली हो जाती है ऐसे, है ना। तो इस समस्या को एकेंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं, एकेंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं। ये भी स्ट्रेस से ज़्यादा होती है और गर्दन में है, यहाँ से है, बहुत काला हो जाता है, तो इस समस्या को एकेंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं। और ये भी स्ट्रेस को बताती है बॉडी में, हार्मोन्स की वजह से, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस की वजह से ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं। धन्यवाद।